नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, पुलिसकर्मी की वो नौकरी करते हैं लेकिन लोगों को बादाम खिला खिला कर जागरूक करते हैं। कौन है ये, हम आपसे उनका परिचय करवाते हैं। भागवत प्रसाद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागवत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, और न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जी भागवत जी, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने था और आप उसे जो है काजू बादाम खिला रहे थे, क्या ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, कहते हैं कि जब हम कोई मर्ज होता है तो उसका जब इलाज करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक तो उसपे अगर जख्म है तो मरहम भी लगाते हैं और साथ में दवाई भी देते हैं ताकि उस अंदर से हील कर सके। तो हम जब इन्फोर्समेंट करते हैं, कानून का लागू करते हैं, चालानी कार्रवाई करते हैं, चालानी कार्रवाई का एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को किसी भी तरह से प्रेरित किया जा सके कि जो यातायात नियम इनको आप निभाइए, ये आपके जीवन को बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन बहुत मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पुलिस की चेकिंग देख करके वो रास्ता बदल लेते हैं, या तो पुलिस चेकिंग को समझते हैं कि पुलिस जो ये चेकिंग हो रही है ये कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है, तो उनको एक एहसास दिलाने का प्रयास हम तरह तरह से करते रहते हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान डॉक्टर रविंद्र वर्मा जी हैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले जी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका जो निर्देशन मार्गदर्शन लगातार हम लोगों को मिलता रहता है। और लोगों को सिर्फ चालान से नहीं, उनके मन में एक अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि यातायात नियम हमारे लिए क्यों जरूरी, तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के कभी हम लोग फूल देते हैं, कभी हेलमेट भी बांटते हैं। और ये बादाम खिलाने का जो तरीका था, ये तरीका एक्चुअली अगर हम कहें तो वर्षों से या सदियों से कहें तो ये परंपराएं चली आ रही हैं कि काव्य के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता रहा है। तो काव्य के माध्यम से या एक हास्य के विषय के तौर पर उसको प्रस्तुत करके जब हम किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं तो लंबे समय तक स्मृति पटल पर रहती है लोगों के, और लंबे समय तक याद रहती है, लोग हंसते हंसते उन चीजों को याद रखते हैं और कहीं ना कहीं उनका दिमाग इस बात पर राजी होगा कि यार नहीं ये बात हमारे फायदे जी के। वो जो पंक्तियां आप उस वक्त दोहरा रहे थे, क्या आप दोहरा सकते हैं, क्योंकि मतलब हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मैंने भी वो वीडियो देखा और बड़ा ही मतलब मुझे अच्छा लगा। क्या आप वो पंक्तियां दोहरा सकते हैं जब आप काजू बादाम खिला रहे थे और उस व्यक्ति से बात कर रहे थे? मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं कुछ रेडीमेड नहीं रहता है, जो सामने आता है उसी में रहता है। जैसे वो आ गए और बादाम हमने एक्चुअली रखा था, हमारे मित्र ने कहा सर काजू भी रख देते हैं, मैंने कहा क्यों, बोले कि आएंगे मिस्टर राजू, खाएंगे काजू, मजबूत होगी बाजू, खाएंगे बादाम तो आएगा दिमाग। मैंने कहा यार ये बात भी सही है तुम्हारी। तो इस तरह से वहां पर हमने उनको समझाया बहुत अच्छे से और उन्होंने वादा भी किया। और एक बात और थी कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले और उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, इस कारण से सर बच गया था। अच्छा। लेकिन कहना था कि सर में हल्का दर्द रहता इसलिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया। तब मैंने कहा कि अगर दूध से जलने के बाद भी बिल्ली फिर से गर्म दूध पे मुंह मारेगी तो फिर निश्चित रूप से फिर जागरूकता कहाँ रह जाएगी। तो अगर आप हेलमेट की वजह से बचे हैं तो आपको हेलमेट तो कम से कम लगाना ही चाहिए, आपको तो लगाना ही चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया और दूसरे दिन से वो हेलमेट लगाएंगे, ऐसा वादा किया उन्होंने। पांडे जी, आप ऐसे समझाते हैं तो लोग समझते हैं या फिर कुछ झगड़ालू लोग भी मिल जाते हैं कई बार कि नहीं समझते हैं बात को, या फिर अलग अलग तरह के लोग होते हैं? देखिए, एक मोटो है पुलिस का कि सज्जनों के लिए पुष्प से अधिक कोमल, दुष्टों के लिए वज्र से अधिक कठोर। तो चालानी कार्रवाई भी होती है और अगर किसी की मजबूरी है तो उसको समझ करके और समझाइश भी दी जाती है, क्योंकि चालानी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को सुधारना है, लोगों को समझाना है। तो तरह तरह से हम लोग काम करते हैं, तो तरह तरह के लोग मिलते हैं। जब कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि हमें लगता है कि ये काजू और बादाम से नहीं मानेंगे, फूल से नहीं मानेंगे, ये अन्य विनय से नहीं मानेंगे, तो उन पर फिर चालानी कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं कि चालानी कार्रवाई नहीं करते, अच्छी चालानी कार्रवाई भी होती है, लोगों को समझाइशें भी दी जाती हैं। और बात यह है कि ग्रामीण स्तर पर भी हम लोगों ने जागरूकता अभियान को चलाने के बाद से ही रिजल्ट पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम वाहन चेकिंग लगाते हैं तो देखते हैं कि लगभग 60-70% लोग हेलमेट लगाने लगे हैं, तो इसको हम एक सफलता के तौर पर देखते हैं। कहा जाता है भयभीन होए ना प्रीत, तो आपको लगता है कि ये जो आपकी समझाइश है, आपका जो अंदाज है, एक तो निराला तो है ही है, लाखों फैंस हैं आपके मैंने देखा, थोड़ा डर भी जरूरी है लोगों के अंदर?
बिल्कुल डर जरूरी है, पर मैं मेरा मानना यह है कि डर जो है एक पॉजिटिव डर होना चाहिए। ठीक है, डर जो होना चाहिए इस बात का होना चाहिए कि यार हमने हेलमेट नहीं लगाया है तो सर अगर मिल भी जाएंगे, वो इतनी समझाइश देते हैं तो क्या कहेंगे। ठीक है, हमने देखा कि लोग खुली सड़क पर मदिरापान करने से बचते हैं, लोगों को दिखा करके बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कोने में जा करके सिगरेट पी रहे हैं, कोने में जा करके या तो अपने घर में जा करके मदिरापान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज का डर है उनको कि अगर हम यार यहाँ पीने लगेंगे रोड में तो चार लोग क्या कहेंगे, अरे यार कैसा आदमी है रोड पे दारू पी रहा है, अरे यार कैसा आदमी है रोड पे सिगरेट पी रहा है। ये डर होता है कि नहीं होता? हाँ होता है ना। तो यही डर हम ट्रैफिक सेंस में क्यों नहीं लेते, अरे यार कितना लापरवाह आदमी यार, भाई हेलमेट क्यों नहीं लगाया, और इतना पढ़ा लिखा हेलमेट क्यों नहीं लगाया। ये लाना पड़ेगा हमको, और ये तभी आएगा जब हम चालान के साथ साथ लोगों को समझाएंगे भी, और लोगों से पूछेंगे भी, भाई कहाँ है तुम्हारा मुकुट, हे राजन आप अपने छोड़ करके अपने आभा मंडल प्रभा मंडल में कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो जब आप एक मनोरंजक तरीके से और उनसे अनुनय विनय करने का जो ये तरीका है थोड़ा सा अनोखा करके और भीनी भीनी थोड़ी मजाकिया अंदाज में मजाकिया लहजे में बातें करते हैं तो समझ में आता है। और मैंने ये पाया है कि चालान भी जरूरी है, समझाइश भी जरूरी है, एहसास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीलिंग अंदर से होती है, बाहर हम मरहम लगा देने से काम नहीं चलता। इस अभियान में आपको अधिकारियों का, जो आपके ऊपर अधिकारी हैं उनका, या फिर जो आपके नीचे सहयोगी हैं आपका, आपके उनका सहयोग मिलता है पूरा? जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, जब आप अच्छा काम करते हैं। मेन होता है आपका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए, जब लोग देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को भी अच्छा लगता है। क्योंकि मूल रूप से हमारी सामुदायिक पुलिसिंग की जो अवधारणा है, अगर आपने देखा हो तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इसको चलाया जा रहा है कि पुलिस जो होती है हमारे लिए होती है, तो हमसे पुलिस अच्छे से बात करे, और ये प्रत्येक नागरिक का जो है अधिकार भी है कि उससे पुलिस अच्छे से बात करे, सभ्यता से बात करे, ढंग से बात करे, और पुलिस करती भी है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपको घर से निकलते ही अगर एक व्यक्ति कुछ ऐसा मिल गया जिसने आपको दो बातें कह दी, तो आप कहते हो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। सोचिए पुलिस को तो ऐसे सैकड़ों लोगों से रोज सबका पड़ता है, पुलिस को ऐसे सैकड़ों लोगों से रोज मिलना पड़ता है, नकारात्मकता से उनकी भेंट होती है। मैंने लिखा था कुछ कि नफरत के बीच पला हूं मैं फिर प्यार कहाँ से लिख डालूं, नफरत के बीच पला हूं मैं फिर प्यार कहाँ से लिख डालूं, अंगार लिखा है किस्मत में श्रृंगार कहाँ से लिख डालूं। जो एक पुलिस वाला होता है वो दिन रात एक नफरत के माहौल में, निगेटिव माहौल में रहता है, किसी के साथ मारपीट हो गई, किसी के साथ झगड़ा हो गया, जो पीड़ित होता है वो भी आता है, उसके अंदर गुस्सा भी होता है, तो उसको भी संभालना है। तो थोड़ी बहुत अगर पुलिस में खीज आती है तो वो स्वाभाविक है, पुलिस भी मनुष्य है, हमारे समाज के बीच का अंग है। तो पुलिस अगर थोड़ा सा रूड व्यवहार हल्का लगता है, मैं इसका सपोर्ट या समर्थन नहीं करता हूँ, मैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया और क्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ। एक स्वाभाविक चीज है कि मनुष्य के अंदर से उसके भावों का प्रकटन होगा, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। पुलिस दिन रात आपकी सेवा में लगी हुई है, और डॉक्टर पवन जैन साहब हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी, एडीजीपी हैं भोपाल में, उनकी पंक्तियां हैं कि बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, लोग सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं। तो दिन रात जाग रहा है, पहरेदारी कर रहा है, धूप धूल धुआं नहीं, धक्का बिल्कुल सहता है आप। बिल्कुल। नॉर्मली हम पुलिसिंग को या फिर पुलिस वालों को उस नज़रिए से देखते हैं कि वो करप्ट हैं, या फिर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। लेकिन मैं इस मंच से, News24 के इस मंच से, आपको देखकर ये कह सकता हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, और गर्व होता है हमको आपको देखकर कि आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और उनके भले के लिए ही समझा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि थोड़ा डर भी ज़रूरी है, लेकिन ये जो समझाइश है आपकी, ये इसका जो है मतलब ये बेहतरीन है। मतलब जो आपका अंदाज़ है, मैं कहना चाहूँगा बेहतरीन है, और आर माधवन जी ने भी आपको अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, उनको भी मैंने धन्यवाद दिया था ट्विटर पे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था, उनको भी धन्यवाद दिया था मैंने। और मैं बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, डीजीपी लेवल के हैं, जो जिन्होंने ट्वीट लगातार वो ट्विटर पे सपोर्ट करते रहते हैं, और इसमें बहुत सारे आईपीएस अधिकारी हैं हमारे, और हमारे सहकर्मी भी हैं, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। अच्छा लगता है, होम डिपार्टमेंट भी इन चीजों को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे पे लेता है और ट्वीट 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 करते हैं, तो अच्छा लगता है। विभाग का जब सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और मैसेज जो है वो ऐसे फॉर्म में जाना चाहिए, मेरा मानना है कि उसके सकारात्मक परिणाम निकलें।
और लोगों को लंबे समय तक वो याद रहे। एक सभा में खड़े होकर के जब हम बोल देते हैं कोई चीज ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, चार आदमी सुन लेता है वहां से चला जाता है। पर अगर कोई पॉजिटिव वे में, हमने जैसे कहा कि जब दोस्त मिले तो मुस्कुरा देना चाहिए, जब दोस्त मिले तो मुस्कुरा देना चाहिए और दो पहिया में चलो तो हेलमेट लगा लेना चाहिए। अब ये चीजें जब लोग सुनते हैं तो उसको दोहराते हैं, कई चार हाँ लोगों के साथ चर्चा करते हैं, बच्चे दोहराते हैं, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट लोगों पे, घर से निकलते ही अगर उसकी जुबान पे हेलमेट आ गया तो याद आ जाता है, अरे यार हेलमेट तो भूल गए हैं, वो हाँ हेलमेट ले लो। तो ये हाँ चीजें होती हैं, पॉजिटिव वे में होती हैं, अच्छी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल भागवत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, और मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसे ही अपने इस अभियान को आगे बढ़ाएं और आपसे प्रेरणा लेकर हर कोई इस अभियान में आपके साथ जुड़े, और क्योंकि जुड़ना आम जनता का ज़रूरी है और लोग जुड़ भी रहे हैं, मैं इस चीज़ को भी देख पा रहा हूँ। तो ये आपकी जो एक अभियान है इसमें आप कामयाब होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, अपने काम से समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बहुत जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।